हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इक्टीरियंश। मैं हूँ प्रियंका, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ, जिसे आयुर्वेद में नेत्र तर्पण कहा जाता है। और ये प्रोसीजर मैं रियांश पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसकी आंखों में भी रिफ्रैक्टिव एरर आ गया है, उसे दूर का देखने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि होना ही था क्योंकि आजकल बच्चे कम एज से ही मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रोसीजर को कई सारी आंखों की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से आप करें। तो रियांश को मैंने किस तरह से किया वो मैं आज आपको दिखा देती हूँ। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर्स और जो कंप्यूटराइज सिंड्रोम है उसके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले इसके लिए हमें उड़द दाल का आटा चाहिए होता है, उसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स किया है ताकि वो अच्छे से उसकी पाली बन जाए जो रियांश की आंखों के आसपास आपने देखा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना हार्ड होना चाहिए ना ही ज्यादा सॉफ्ट, जैसे हम पराठे का आटा लगाते उस तरह का आटा होता है। और इसमें एक मेडिकेटेड घी यूज किया जाता है, आप देख रहे हैं त्रिफला ग्रत, मैंने इस ब्रांड का यूज किया है। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज कर सकते हैं जो आपके अवेलेबल हो। ये नागार्जुन का जो केरल का है ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब इस घी को हम हल्का सा गर्म करते हैं, वो भी डबल बॉयलर मेथड से। आप देख रहे हैं इस तरह से पानी गर्म करेंगे, उसमें आपको घी को मेल्ट करना है, डायरेक्टली गर्म नहीं करना है। अब आटे को हमने इस तरह से ले लिया है और अब इसे हम ऐसे गोल करके और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसकी हम आंखों के आसपास आइस के साइज के हिसाब से पाली बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैं पाली बना रही हूँ। और इस प्रोसेस को आपको कभी भी ज़्यादा गर्म मौसम में या ज़्यादा ठंडे मौसम में नहीं करना है, इस प्रोसेस को आपको हमेशा मॉर्निंग में करना होता है। और आपको 11-12 बजे के पहले इस प्रोसेस को आप ख़त्म कर दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा धूप के टाइम में इसे आपको नहीं करना है, ज़्यादा ठंडे टाइम में नहीं करना है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और छोटे बच्चों को आपको कम टाइम के लिए रखना है, बीमारी के हिसाब से इसका टाइमिंग होता है। ये प्रोसेस इजीली हो पाए इसके लिए मार्केट्स में आजकल गॉगल्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं इसलिए मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगता उनसे करना। तो यहाँ पर शास्त्रोक्त जो बताया गया है उसी तरह से हम करने जा रहे हैं, जैसा हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है उसी तरह से इसकी पाली बना करके हम करने वाले हैं प्रोसेस को। तो आप चाहें तो गॉगल लेकर के भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए ये करना मुश्किल है तो कुछ तो फ़ायदा करेगा इसलिए आप गॉगल से भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो उन्हें परचेज करके अपना कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम रियांश को करने वाले हैं। इस तरह से आपको सीधा सुपाइन पोजिशन में लेटाना है पेशेंट को, जिसका करना है। इस प्रोसेस को करने के पहले आपको अपनी आँखों को और फेस को अच्छे से साफ कर लेना। आप चाहें तो लिपवॉर्म वाटर से, कॉटन से अपनी आईज़ को क्लीन कर सकते हैं या फिर आई वॉश की भी एक मेथड है, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई वॉश करके और फिर आपको अपने फेस की थोड़ी सी मसाज करनी है। आप चाहे तो कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर सकते हैं जो आँख में इरिटेशन ना करे। मैं इसी त्रिफला ग्रत से थोड़ा सा इसके फेस का मसाज करूंगी क्योंकि रियांश छोटा है तो यहाँ पर इसे भाप नहीं देंगे, अदरवाइज 7 से 8 साल के ऊपर के बच्चों में या फिर एडल्ट में अगर आप करते हैं तो आपको इस तरह से ऑयल से फेस मसाज देनी है। कौन सा ऑयल आप यूज कर सकते हैं उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तो मैं त्रिफला ग्रत से यहाँ पर कर रही हूँ। और इस तरह से फेस मसाज के बाद आपको उन्हें 2 से 3 मिनट भाप देनी होती है फेस पे। तो इससे क्या होता है कि जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होने लगता है आंखों के पास, तो हमारी प्रोसीजर का बहुत अच्छे से उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से मसाज करने के बाद आप वहां पर भाप देंगे। तो रियांश छोटा है तो इसे मैं हाथ से ही यहां पर गर्म करके आंखों को गर्म करने वाली हूं और हल्का सा 5-6 बार आप अपने हथेलियों को रगड़ के और आंखों के पास और कपाल पे उसके गर्म कर देंगे और उसके बाद हम पाली को चिपकाना स्टार्ट करेंगे। कॉटन की हेल्प से या फिर किसी कपड़े की हेल्प से एक्सेस जो ऑयल है फेस पे उसे निकाल देंगे। भाप के बाद आप पानी को अच्छे से पोंछ देंगे, साफ कर देंगे। उसके बाद इस तरह से बस आंखों के आसपास थोड़ा सा पानी लगा करके हम इस आटे को स्टिक करेंगे। तो ये आटे की जो पाली हमने बनाई है इसे आप इस तरह से स्टिक करेंगे। पहले आप आउटर एरिया में इसे अच्छे से इस तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आप इस तरह से इसे यहाँ पर चिपका देंगे तो इससे बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। और उसके बाद अंदर की तरफ से भी इसे आप अच्छे से स्टिक कर देंगे। अच्छी तरह से चिपकाना बहुत ज़रूरी है, अगर ठीक से नहीं चिपकेगी तो आपका घी पूरा जो है लीक हो जाता है तो फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती, और एक बार लीक हुआ तो फिर उसे ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे आप पहले से ही अच्छे से पानी लगा करके और बहुत अच्छे से पाली को मेक श्योर करें कि वो कहीं से भी लीकेज ना हो उसमें। और इस पाली को बनाने के बाद आप इसे थोड़ा सा 30 सेकेंड्स या कहो 1 मिनट के लिए इसे आप छोड़ देंगे ना तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। और फिर उसके बाद आप इसमें
घी डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर घी को गुनगुना कर लिया है। अब हम अपनी उंगलियों की मदद से चेक करेंगे, अपने उल्टे हाथ पर आप एक ड्रॉप डाल करके देख लें। बिल्कुल भी गर्म घी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, आँखों का एरिया है तो बहुत ही लो टेम्परेचर होना चाहिए। पूरा चेक करने के बाद थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप यहाँ पर चम्मच से इस तरह से आँखों को बंद करवा कर इसे डालना स्टार्ट करेंगे। पहले एक बूंद डाल लीजिए, चेक कर लीजिए बिल्कुल गर्म ना लग रहा हो, तब इसे आप कंटिन्यू कर सकते। अच्छा, एक और ज़रूरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप पाली को बनाते हैं तो आई का जो आउटर कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको पाली को थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो उस पोजीशन में ये साइड में पाली अगर आप एक जैसी बनाएंगे तो वो घी पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा, पूरी आँखों को डुबा नहीं पाएंगे। तो आउटर कॉर्नर पे जो पाली है उसको थोड़ा सा आपको ऊँचा रखना है। तो इस तरह से जब पूरा घी भर जाता है तब आपको पेशेंट को बोलना है आँखों को बंद चालू करने के लिए। तो देखिए इस तरह से रियांश की आँखों में हमने ये घी भर दिया है और ये आईलैशेस के पूरे टिप आपके डिप हो जाना चाहिए घी में, इतना घी आपको भरना है। और अगर ऑर्थो मर जाएंगे तो क्या होगा? ऑर्थो सब मर जाएंगे तो हमारे पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, लेकिन भेड़ियों को तो समझ में नहीं आती थी, क्योंकि भेड़िया तो पूरा देखते हो तो हाँ पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। चलो रियांश अब निकालने का टाइम हो गया है, निकाल दूं? और थोड़ी देर। अच्छा लग रहा है आपको ये? 10 मिनट्स के बाद मैंने रियांश का ये घी निकाल दिया। ये डिजीज़ वाइज इसका जो टाइमिंग है वो हम कम या ज़्यादा रखते हैं, तो रियांश को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्रैक्टिव एरर की ओनली प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट्स मैंने तर्पण करवाया है। इस तरह फिर आप ड्राई कॉटन लेंगे, स्टेराइल कॉटन, उससे घी को सॉफ्टली यहाँ पर आइस के ऊपर रख करके घी को एब्जॉर्ब करा के यहाँ पर ऐसे निचो देंगे, और इस घी को फिर आप बाद में बॉडी की मसाज या फिर हेयर मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस घी को रीयूज़ नहीं करती हूँ, कई जगह पर इसे छान करके रीयूज़ भी किया जाता है। अगर आई में कंजक्टिवाइटिस या कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे छान ज़रूर लें। इस तरह से देखिए अब पाली को निकाल लेंगे हम, और गर्म पानी में एक कपड़े को डिप करके इस तरह से आइस को हम यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। इस प्रोसेस के बाद आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, ठंडे पानी से अपने मुंह को नहीं धोना है, और इसी प्रोसेस को 7 डेज तक आपको सेम इसी टाइप से करना है जैसे मैंने पूरा शुरू से क्लीनिंग से लेकर के लास्ट में घी को निकालने तक की प्रोसेस बताई, उसी तरह से मैंने रियांश को 7 डेज कराया। फिर उसके बाद 7 डेज के गैप में मैं इसे फिर से ऐसे 7 डेज कराने वाली हूँ। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है, वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। इस प्रोसेस के साथ साथ आपको कुछ आई एक्सरसाइजेस करनी होगी एंड प्राणायाम करना होगा, और अपनी डाइट में येलो फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर ज़रूर ऐड करना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। रियांश को एक बार के तर्पण में काफ़ी रिजल्ट मिला है, अभी उसकी आँखों में जो पानी आता था टीवी देखने पर या फिर ड्राइनेस होती थी उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है। अभी भी अगर आपको इस प्रोसेस को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगी। एंड अब रियांश से जान लेते हैं उसका रियल तर्पण एक्सपीरियंस। हाय रियांश, कैसा लग रहा है आपको तर्पण करा के? अच्छा लग रहा है। आपको आंखें जल तो नहीं रही है? आंखों में खुजली थोड़ी बहुत थोड़ी है। थोड़ी सी होती है, मतलब आप टॉलरेट कर पा रहे हो ना? एक बार ओपन करके बताओ कि कैसे ब्लिंक करते हो आप आइस। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सभी बच्चों को ये कराना चाहिए ना अपनी आई पावर बढ़ाने के लिए, आई साइट बढ़ाने के लिए। बाय बाय, स्माइल। गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, उसके पास की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।